हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशरी रसोई। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी स्वीट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा इजी वे में बनाऊंगी, जिससे इसे बनाना काफी आसान हो जाता है। वैसे ये ना लड्डू है ना बर्फी है। चलिए रेसिपी में देखते हैं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। रेसिपी अगर आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। सूजी से बहुत ही टेस्टी मालपुए बनाने के लिए या गुलगुले बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक कप सूजी, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा कप है। आप ये मेजरमेंट अपने घर में किसी भी कटोरी के साथ कर सकते हैं। और ये सूजी हम बड़े बर्तन में कर देंगे। हमें इसके लिए बारीक सूजी की जरूरत होगी। अगर आपके पास जो सूजी है वो मोटी है तो आप उसे एक बार मिक्सी में हल्का सा चला लें, जिससे सूजी थोड़ी सी बारीक हो जाएगी। और जितनी मैंने सूजी ली है उतना ही लिया है मैंने गेहूं का आटा, और ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा बारीक। आटे को और सूजी को इस्तेमाल में लाने से पहले आप एक बार छान जरूर लें। और जितनी हमने सूजी ली थी या आटा लिया था उसका जस्ट हाफ मैंने ये लिया है बेसन। बेसन डालने से पुओ का टेस्ट बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन बेसन बिल्कुल थोड़ा सा ही डालें। और इसके बाद जितनी हमने सूजी ली थी उतनी ही ली है मैंने चीनी। हम ये जो पुए बना रहे हैं बिना चाशनी के बना रहे हैं, और आप चाहें तो जो हमने चीनी यूज करी है उसे आप पीस सकते हैं, लेकिन जितनी देर में सूजी फूलेगी उतनी देर में चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। जितनी सूजी ली थी उतना ही लिया है मैंने ये दही, और दही को एक बार अच्छे से चला लिया है। इन सब चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और जरूरत के हिसाब से पानी डालते जाएंगे। हमें बिल्कुल वैसा ही बैटर तैयार करना है जैसे कि हम गुलगुलों या मालपुओं का करते हैं। जितना मैंने दही लिया था बिल्कुल उतना ही पानी लगा है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा तैयार हो गया है। बस अब हम इसे एक साइड से रख देंगे और इसके लिए ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे। ये सूजी को चीनी के साथ करीब 10 मिनट हो चुके हैं, अब एक बार इसे खोल लेंगे। और देखिए चीनी जो थी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से चलाएंगे, जिससे इसमें थोड़ी सी एयर हो जाएगी। और 1 से 1.5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा फ्लफी हो गया है। और बस अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं कुछ बादाम। ये मैंने 8-10 बादाम ले लिए हैं जिन्हें थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। और ये लिए हैं मैंने चिरौंजी। चिरौंजी को और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, और ये पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती है। ये एक ड्राई फ्रूट्स होती है। साथ ही लिए हैं मगज यानी खरबूजे के बीज, वो भी डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपने मन से थोड़े से कम या ज्यादा ले सकते हैं, या आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और ये लिया है 2 टीस्पून कोकोनट पाउडर यानी गोले का बुरादा, ये भी डाल देंगे। और ये 4-5 हरी इलायचियां जिन्हें फ्रेश ही कूट लिया है, इलायची की खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है, ये भी डाल देंगे। और एक बार हल्के से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही अच्छा सा बैटर बनकर तैयार हो गया है। बस कुकिंग ऑयल को गर्म होने रख देंगे, और आप चाहें तो इसे देसी घी से भी बना सकते हैं, और उसके साथ इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। और ऑयल जो गर्म होने के लिए रखा था वो गर्म हो चुका है। आप कभी भी कोई मीठी चीज बनाएं ऑयल को बहुत ज्यादा तेज गर्म ना करें, क्योंकि चीनी की वजह से वो बाहर से तो सिकर लाल हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। और एकदम मीडियम गर्म ऑयल में हम अपने इन मालपुओं को छोड़ेंगे। आप चाहे तो इन्हें हाथ से छोड़ सकते हैं, या थोड़े से बड़े साइज का चम्मच ले लें जिससे साइज थोड़ा एक सा आ जाएगा, और उसके साथ आप इन्हें इस तरीके से बिल्कुल ऑयल के पास ले जाकर छोड़े। एक और डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो मैंने गर्म किया था वो अभी इतना कम गर्म है कि उसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। और इन्हें ऊपर से सेकने के लिए जैसे कि हम दही बड़ों के लिए करते हैं एक चम्मच लीजिए और इस तरीके से ऑयल ऊपर डालते जाइए। अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इन्हें हल्के से टर्न कर देंगे। इन गुलगुले या मालपुओं को सेकने के लिए आप 4 से 5 मिनट जरूर लगाएं।
वरना ये अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे और जाली भी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए फ्लेम पर जरूर ध्यान रखें। एक बार फिर से टर्न कर देंगे और आप देख सकते हैं कि ऊपर से हल्के से क्रैक होने लगे हैं, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। पहले एकदम लो फ्लेम पर और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर मैंने मालपुओं को या गुलगुले या पुए आप इन्हें जिन भी नाम से जानते हो 4 से 5 मिनट तक सेक लिया है और आप देख सकते हैं अच्छे से सीख चुके हैं, अच्छा कलर आ चुका है और बस अब हम इन्हें अलग प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। और सेम प्रोसेस से हम बाकी के मालपुए भी सेक कर तैयार कर लेंगे। आप पुओं को डालने के बाद में उन्हें तुरंत टच ना करें क्योंकि जिस समय ये गर्म होते हैं और ऑयल में जाते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। बस एक छोटी सी चम्मच लीजिए और थोड़ा सा ऑयल उनके ऊपर डालते जाइए। और जिस तरीके से हमने पहला बैच सेका था बिल्कुल उसी तरीके से हम इन्हें भी सेक लेंगे। थोड़ी सी देर बाद टर्न कर देंगे, फ्लेम पर जरूर ध्यान रखेंगे। और हमारे ये पुए भी बहुत अच्छे से सेक चुके हैं, अच्छा कलर आ चुका है, बस इन्हें भी ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। एकदम लिमिटेड सामानों के साथ और थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से हमारे बहुत ही टेस्टी ये गुलगुले या पुए बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत से फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिन पर हमें गुलगुले या पुए जरूर बनाने होते हैं, उन फेस्टिवल पर एक बार आप इन पुओं को जरूर ट्राई करें, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएंगे। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज अपने कमेंट जरूर करें। हमारी ये बहुत ही टेस्टी स्वीट बनकर तैयार है। ये रेसिपी अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें, चैनल पर नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। थैंक यू।